नमस्कार, आप सबका स्वागत है HJ न्यूज में। फिल्म जगत की होली की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम राज कपूर का सामने आता है। वैसे तो राज कपूर के निधन के बाद उनके RK स्टूडियो का वो होली का त्योहार बंद हो चुका है। लगभग 25-26 साल से इस स्टूडियो में होली की वो मौज मजा मस्ती रंगों का वो खेल हुआ ही नहीं है। फिर भी RK स्टूडियो की होली का वो इम्प्रेशन और इम्पैक्ट कायम है। यह राज कपूर की एक सफलता ही मानना पड़ेगी। राज कपूर ने 60 के दशक में ही अपने इस भव्य स्टूडियो में होली और श्री गणेशोत्सव ये दो बड़े त्योहार शुरू किए। राज कपूर 24 घंटा फिल्म के बारे में सोचने फेस्टिवल का पूरा आनंद लेने के लिए जाने जाते थे। जिंदगी का पूरा आनंद लेना और उसमें काफी लोगों को शामिल करना समझो उनका स्वभाव था। इससे व्यक्तित्व में और भी रंग जुड़ जाते हैं। इस विविधतापूर्ण जीवन का वो अपनी फिल्म में भी इस्तेमाल करते थे। RK स्टूडियो में होली खेलना शुरू होता, पानी से भरे हौद में गुलाल और तरह तरह के रंग फिल्म जगत से जो भी आए उन्हें उसमें डुबाना, यह सिलसिला तो रहता था। कागज पर यह बात सरल लगती है, मगर लाइव एक्सपीरियंस काफी सारे रंगों का रहता था और वो ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात रहती थी। इस वक्त पूरा कपूर खानदान का जमा होना और उनसे फिल्म जगत के छोटे बड़े लोगों का शामिल होना यही तो होता था। आप देख सकते हैं HJ न्यूज की रिपोर्ट।